अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं एक रिपोर्टर बात कर रहा हूँ। 2016 में जो वाकया हुआ था जिसमें आपका बेटा शहीद हुआ था, तो उसके हवाले से हम आपसे इंटरव्यू लेना चाहते हैं। सॉरी सर, मैं नहीं आ सकता, मैं बिजी हूँ। सर हम आपका इतना टाइम नहीं लेंगे। नहीं नहीं सॉरी, मैं नहीं आ सकता। अरे सर सर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए हम अपनी नई वीडियो के साथ और आज हम ऐसी शख्सियत के साथ मुलाकात करेंगे जिनका बेटा सने पिशावर 2016 में शहीद होने वाले बच्चों में शामिल है। तो पहले तो हमने उनको एक शो में बुलाया था, तो कुछ मसरूफियत की वजह से वो शामिल नहीं हो सके, तो हमने सोचा कि आज उनके घर जाते हैं और उनसे कुछ सवालात करेंगे। तो आइए चले हम उनके घर चलते हैं। आए नाज़रीन, ये हैं समीउल्लाह के वालिद। तो अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, आप कौन? मैं उसामा रिपोर्टर। दो दिन पहले आपको एक कॉल की थी, आपको एक शो में इनवाइट किया था, तो आप किसी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके, तो आज हमने सोचा कि हम आपके घर आएँ और आपसे जो पिशावर में जो वाक़ हुआ था उसके बारे में कुछ सवालात पूछें और उनके जवाब जानें कि वहाँ पर क्या हुआ था ऐसा और आपको कैसा महसूस हुआ। तो आप हम आ सकते हैं, आइए। तो सर हम आपसे पहले ये सवाल पूछना चाहते हैं कि उस वाकये को काफ़ी अरसा हो गया है उस वाकये को हुआ, तो अभी आपको आपके बेटे की याद आती है कि नहीं? किसको अपने बेटे की याद नहीं आती। मुझे अभी भी याद है कि जब वो सुबह निकला था घर से, तो निकलने से पहले उसने ज़िद लगाई हुई थी कि आज मैं नहीं जाता स्कूल। कह रहा था पापा मैं नहीं जाता, नहीं जाता, नहीं जाता, लेकिन मैंने कहा बेटा दिन ना ज़ाया करो, जाओ, क्योंकि तुम्हारी आगे सारी ज़िंदगी पड़ी है। तुम आज पढ़ोगे तो कुछ बनोगे, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि उसकी ज़िंदगी उसी दिन ख़त्म हो जाएगी और जो मैं उसको भेज रहा हूँ उसके अच्छे के लिए वो उसके लिए बुरा बन जाएगा। फिर वही हुआ, वो जो नहीं जाना चाह रहा था, काश उस वक्त मैं उसको रोक लेता और मैं कहता कि ना जाओ, तो शायद आज वो मेरे साथ होता, मेरे पास होता, तो आप मुझसे ये सवाल ना कर रहे थे। हम आपसे दूसरा सवाल ये पूछना चाहते हैं कि जब आपको पता चला कि आपका बेटा इस दुनिया में नहीं है, तो उस वक्त आपके दिल पर क्या बीती? सवाल तो आपने बहुत अजीब से किया है। आपका बेटा है कोई? जी अभी तो नहीं। एक बेटा जब फोत होता है ना, तो उसके बाप पे क्या बीतती है वो ही जानता है। और जब मुझे पता चला, मैं घर था उस वक्त, शायद मैं किसी काम में बिज़ी था, मुझे जब पता चला कि ऐसा हुआ है, तो मुझे उस वक्त बहुत शौक लगा और मुझे ऐसा यकीन था कि उसे कुछ नहीं हुआ होगा, क्योंकि मुझे इस बात पर यकीन आ ही नहीं रहा था कि मेरा बेटा मुझसे फिर नहीं मिलेगा। तो यही जब मुझे कॉल आई, मैं वहाँ पे पहुँचा, तो मुझे अपना बेटा नज़र नहीं आया। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल ले गए। फिर मैं हॉस्पिटल गया और वहाँ पे मैंने अपने बेटे को पहली दफ़ा खून में लथपथ देखा। और मैं बता नहीं सकता उस वक़्त मेरी क्या फीलिंग थी या उस वक़्त मैं क्या सोच रहा था। मैं अपनी तरफ से मैं अपने होशोवास खो बैठा था, तो मैं अभी बता नहीं सकता उस वक्त मेरी क्या फील थी। तो जब आप अपने बेटे को घर लेके आए, तो जहरी बात है वो खून में लथपथ होगा, तो आप ये बता सकते हैं उनको गोलियां कहां कहां लगी थी और कैसे, कितना जख्मी थे वो? ये आप सवाल कैसे पूछ रहे हैं? नहीं असल में ये हमारा काम है ना, क्योंकि हमें असल में सवाल करने पड़ते हैं ऐसे कि क्या हुआ, तो इस वजह से। जी वो खून में लथपथ था और उसके सारे कपड़े खून से भरे हुए थे और उसको तीन गोलियां लगी थी, एक सर पे लगी थी, एक पेट पे लगी थी और एक उसके पाँव के पास बिल्कुल लगी थी। तो उस वक्त आपके घर हैं जो, तो उन पे क्या बीती है कि मतलब वो कैसा महसूस कर रहे हैं? ऐसा सवाल आप कर रहे हैं, घर वालों पे क्या बीती होगी? आप हर साल आते हैं, हर साल यही सवाल करते हैं और हर साल मैं यही जवाब देता हूँ कि मेरा बेटा खून में लथपथ घर आया था। आखिरी एक सवाल है आपसे कि आप अपने बेटे को उस डर की वजह से, खुदा नखास्ता वो दोबारा हो जाए, उस डर की वजह से क्या आप उसी स्कूल में वापस भेजना चाहेंगे कि नहीं भेजना चाहेंगे? सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ माइंड मत करना, लेकिन ऐसे सवालों का जवाब कोई भी माँ बाप नहीं दे सकता। आप हर साल ये सवाल उठा के ले आते हैं और हमसे पूछते हैं कि वो कैसे फौत हुआ, आप अपनी दूसरी औलाद को भेजेंगे या नहीं भेजेंगे,
या उसको कितनी गोलियां लगी, हम इन सवालों का जवाब नहीं दे सकते। खुदारा प्लीज इस बात को समझें, आप माइक उठाते हैं, दूसरों के घर चले जाते हैं, लेकिन उन बात का जवाब नहीं दे सकते। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इस चीज को बंद करें आप। सर ये हमारा काम, आपका काम है, आपका काम हो गया बस, ठीक है, अब हमें जीने दें प्लीज़।